हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइड विजिट में। तो फ्रेंड्स, थोड़े दिन पहले मैंने टॉपिक लाया था कि हम बीम की थिकनेस कैसे निकालते हैं और उसकी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितनी आएगी वो कैसे निकाल सकते हैं, तो उसी पे मैंने टॉपिक लाया था। तो उसके मतलब फेल होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। तो आज मैं टॉपिक लेके आया हूँ मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब, मतलब वन वे और टू वे में बताऊंगा कि आपको मिनिमम थिकनेस कितनी दोगे, उसमें कितनी कम डिफ्लेक्शन आएगी, वो उसी पे मैं बात करने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और हमारी वेबसाइट पर जाओ, पूरा कंप्लीट टॉपिक आपको मिलेगा स्टार्ट से एंड तक, उसमें अच्छे से मैंने बताया हुआ। यहाँ पॉसिबल नहीं होता है कि मैं मतलब टोटल बता सकूँ, तो मैं उतना ही बताता हूँ जितना आपको हेल्पफुल रहे, मतलब टॉपिक से लिंक में आपको पता चल जाए, बाकी आप हमारे वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। तो हमारा टॉपिक है मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब वन वे और टू वे। सबसे पहले हमारा है जो हमारी कैंटिलीवर स्लैब होगी, तो उसकी आपको मिनिमम थिकनेस कितनी देनी है, L/10। मतलब उसमें क्या था, हमारा इफेक्टिव डेप्थ देखते थे, इसमें क्या करना है आपने, थ्रू आउट जो आपकी स्लैब होगी मतलब जो उसका स्पैन होगा, तो एल या लेंथ ले लो या स्पैन ले लो, स्पैन बाय 10 या एल, हमने इधर क्या लिया हमारा स्पैन है ये, ठीक है, ये याद रखना एल इक्वल टू स्पैन हमारा। तो 6 मीटर का 6 मीटर बाय 10 किसके लिए, कैंटिलीवर स्लैब के लिए। और टू वे में तो आपकी मतलब कैंटिलीवर स्लैब आएगी नहीं, वैसे भी स्लैब आपकी मतलब कैंटिलीवर स्लैब मैक्सिमम कम ही प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट हमारा सिंपली सपोर्टेड, तो उसके कितना रहते हैं हमारा स्पैन बाय 20, मतलब उतनी आपको थिकनेस उसकी प्रोवाइड करनी है, मतलब ऐसे तो आपको 125 mm से कभी भी स्लैब थिकनेस प्रोवाइड करनी नहीं है। नेक्स्ट हमारा जिसके बोथ हैंड कंटिन्यूस होंगे मतलब, तो उसमें कितनी करनी है L/28। और नेक्स्ट हमारा वन हैंड कंटिन्यूस, तो उसमें कितनी करनी है L/24। ये आगे हमारे वन वे के लिए। टू वे के लिए क्या रहता है हमारा फार्मूला कैंटिलीवर में तो नहीं आएगा, सिंपली सपोर्टेड में क्या करना है L/28। तो एल अगर आपका 6 मीटर है, मतलब L क्या है हमारा स्पैन है, मतलब एक ये दीवार है आपकी, एक ये दीवार है, बीच में जो स्लैब आपकी ये स्लैब आ गई, ठीक है, तो ये 6 मीटर की है, तो इसकी कितनी डेप्थ रखनी है आपने वो कैसे निकाल सकते हो, उससे उसमें डिफ्लेक्शन नहीं होगी। 6 मीटर डिवाइड बाय 28 जो आपकी वैल्यू आएगी mm में या मीटर में, तो वो आपको उतनी mm आपको स्लैब प्रोवाइड करनी है, तो आपको डिफ्लेक्शन या उसके फेल होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो नेक्स्ट है हमारी, अगर बोथ हैंड कंटिन्यू है, दोनों तरफ से निकल रही है, बीच में आपके कोई दीवार है, दोनों तरफ हमारी स्लैब निकल रही है, उसका कितना रहता है हमारा L/33, ठीक है, मतलब जैसे ले लो 5-6 कमरे एक हॉल आ गया, तो आपका मतलब वो पूरी सिंपली सपोर्टेड स्लैब हो गई। अगर बीच में पार्टीशंस वाले हैं तो आप बोथ हैंड कंटिन्यूस मतलब यहाँ वो आपकी कंटिन्यूस स्लैब हो गई, तो उसमें कितनी थिकनेस लेनी है L/33। 6 मीटर था, अगर 6 मीटर की है आपकी, तो 6 मीटर डिवाइड बाय 33 जो आपकी आएगी वो आपकी उसकी वैल्यू आ जाएगी। मैं क्यों कैलकुलेशन करके नहीं बता सकता, क्योंकि ये सिंपल सी कैलकुलेशन है, जितना आपका स्पैन होगा उसको डिवाइड कर देना है इस कांस्टेंट वैल्यू से, तो आपको स्लैब की डेप्थ मिल जाएगी। तो इसमें दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, काफ़ी वीडियो लंबी होगी और आप भी बोर होने लग पड़ोगे। तो नेक्स्ट है हमारी वन एंड कंटिन्यूस, तो L/32। एक एग्जाम्पल ली हुई है मैंने, एक स्लैब है मेरी वन वे, तो कितनी लंबी है वो 6 मीटर, और ये वॉल आ गई ब्रिक वॉल, तो उसमें कैसे निकालेंगे हम 6 मीटर, अगर कितनी हमारी सिंपली सपोर्टेड है L/28 ऐसे निकाल लेता हूँ मैं, ये मैंने किससे निकाली L/20 से, मतलब वन वे है ना, वन वे ली हुई है। 6 मीटर डिवाइड बाय 300 करोगे तो आपका कितना आएगा, 6 मीटर डिवाइड बाय 20 करोगे तो आपका कितना आएगा 300 mm, मतलब 300 mm तो हम कहाँ प्रोवाइड करते हैं गाँव में, लेकिन 125 mm से कम को प्रोवाइड नहीं करनी है, और जो आपकी वैल्यू आएगी उसका अगर हाफ में भी आप प्रोवाइड कर दोगे तो स्लैब फेल होने के चांसेस कम हो जाते हैं और डिफ्लेक्शन बहुत कम होती है और क्रैक्स के भी इसी दौरान कम हो जाएंगे। तो ये हमारी वैल्यू आप लिख सकते हो और इसको अच्छे से पढ़ना है अगर आपको, तो हमारी वेबसाइट पर जाओ civilsidevisit.com में, उधर आपको इसको अच्छे से पढ़ो और इसके नोट्स आपको चाहिए तो वो आप वहाँ से बना सकते हो। तो ये छोटा सा टॉपिक था, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो।